टीवी न्यूज के साथ मैं हूँ कैसर रावत जी, हूँ शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। वॉकेंट स्वीडिश कॉलेज के तलबा सरापाए एहतजाज, फिजिकल इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज, ऑनलाइन क्लासेस तो इम्तहान भी ऑनलाइन करने का मुतालबा। कोरोना लीव में ली गई फीस की वापसी का मुतालबा, मेन जीटी रोड रावलपिंडी ब्लॉक, घंटों आवाम को मुश्किलात का सामना। हम आपको आगाह करते चलें कि वॉकेंट स्वीडिश कॉलेज के तलबा सरापाए एहतजाज हो गए। हुकूमत की तरफ से फिजिकली इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन इम्तिहान का मुतालबा किया गया। एहतजाज के दौरान तलबा ने कोरोना रिलीफ में ली गई फीस की वापसी का मुतालबा भी किया। तलबा ने कॉलेज के सामने मेन जीटी रोड रावलपिंडी को दोनों तरफ से बंद कर दिया, जिससे ट्रैफिक के रुकने से दोनों तरफ के मुसाफिरों को घंटों तकलीफ और परेशानी का सामना रहा। रोड की बंदिश पर एसपी पोठवार ने फौरी नोटिस लेते हुए एसडीपीओ टैक्सला ताहिर अब्बास काजमी और एसएचओ थाना सदर व मोहम्मद रफीक को फौरी मौके पर पहुंचने की हदायत जारी की। डीएसपी टैक्सला और एसएचओ थाना सदर व और एसी टैक्सला शहजाद महबूब मौका पर पहुंचे और तलबा को एतमाद में लेते हुए मेन जीटी रोड को बहाल किया और तलबा के चंद नुमाइंदा लड़कों के साथ कॉलेज की इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के लिए रजामंद किया। ताहाल मुज़ाकरात जारी हैं। साथी रिपोर्टर एहसान अली अवान के साथ कैसर दिलावर जिदून, शनासा टीवी, असन अब्दाल। आज की न्यूज करते हैं आपको इलाके भर की हर खबर से बाखबर। मजीद बाखबरें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें।